अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, मूंगी की दाल छिलकों वाली। उसको मैंने रात से भिगोया था और अब मैं उसको पकाने लगी हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ। इस ऑयल में मैं स्मॉल साइज़ का प्याज डालूंगी। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये मैं इसके अंदर रख दूंगी। और अब इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूंगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी और उसको मैं अच्छे से अदरक लहसुन को भून लूंगी ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसमें डाल दूंगी। इसको मैंने छुरी के साथ बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया। अब इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप नमक हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं। अब देखिए इसकी रंगत मसाला डालने से बदल गई है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला तब ही अच्छे से भूनता है जब आप इसमें पानी डालें। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ये जो टमाटर है मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी रंगत आई है और मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया हुआ है, टमाटर बिल्कुल मिक्स है इसमें। दाल मेरी 1.5 पाव के करीब है। दाल को मैंने रात से भिगो दिया था, देखें ये इस तरह से हो गई है। दाल में जितना पानी है ये इसमें जाने दूंगी और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो इसको मैं इसमें डाल के और इसके फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मीडियम आंच पे पक सके। इतने ही पानी के अंदर, ये पानी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब है। 1.5 गिलास आप स्टील का ग्लास लगा लें। बस आपने ये देखना है कि दाल इसमें डिप हो जाए, भी इसमें चली जाए, नज़र ना आए आपको। इसमें बॉयल आ गया है, अब इसको मैं मीडियम कर रही हूँ। इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए बंद कर दूँ। देखिए दाल तकरीबन हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी, इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। और इसको मैं अभी दम ही लगा दूंगी। दाल तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको उससे पहले मैं इसमें ग्रीन चिली जो मैंने 4 अदद ली है और बारीक बारीक मैंने अदरक काट लिया। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेमन आप अभी डालना चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं, और अगर बाद में जब खाते हैं उस वक्त डालना चाहें तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर है। ये है मूंग की छिलकों वाली दाल की फाइनल लुक। आप इसको ट्राई करें, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।